रेंज में 25-26 हज़ार में कौन सा बेस्ट फोन आने वाला है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में ओप्पो का एक फोन आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें पहले 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट लॉन्च हुआ था, जिसकी प्राइस 24 हज़ार थी और ऑफलाइन मार्केट में इस पर डिस्काउंट मिल जाता है 2-3 हज़ार का। तो 20-21 हज़ार में क्या जी अच्छा फोन है। और अभी इसमें 4 GB रैम 64 GB वाला एक नया वेरियंट है, तो ये वाला फोन ओप्पो A16 वाला है। तो पहले ए सीरीज के बजट रेंज में फोन इनके 20 हज़ार तक आते थे, लेकिन अभी के टाइम बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड इस फोन को लॉन्च किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप इस पे इतना पैसा खर्चते हैं, 24-25 हज़ार नॉर्मल यूजर के लिए जो इस रेंज में फोन बाय करता है, काफी ज्यादा पैसे हैं ये उसके लिए। तो अगर आप फ्लैगशिप फोन लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो बजट रेंज में ये किस तरह का फोन है और इस रेंज में 25-26 हज़ार में कौन सा बेस्ट फोन आने वाला है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। इस वाले फोन की बात करें, इसमें LCD वाला डिस्प्ले है 720p रेजोल्यूशन वाला 6.5 इंच का। तो सीधा परफॉर्मेंस पे आते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस ये फोन देगा। तो अगर आप नॉर्मल यूज के लिए इसे लेने जा रहे हैं तो फोन आपको लैग करता मिलेगा, यानी फोन हैक भी हो सकता है अगर आप ज्यादा एप्लीकेशन वगैरह मल्टीटास्किंग यूज करते हैं। क्योंकि इसमें चिपसेट मीडियाटेक G35 वाला है, तो ये वाला प्रोसेसर 15 हज़ार वाले फोन में मिल जाता है। तो इतनी खास परफॉर्मेंस इसमें मिलने नहीं वाली, और साथ में चाहे 3 GB रैम हो या 4 GB रैम हो, इतना ज्यादा जिससे फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे। 4 GB रैम वाला वेरियंट इन्होंने लॉन्च तो कर दिया है, जिसमें LPDDR4X वाली आपको रैम मिलेगी, eMMC 5.1 वाली स्टोरेज टाइप है। 3 कैमरे इसकी बैक पे लगाए गए हैं। डिजाइन वाइज काफी अच्छा फोन दिखता है। 13 MP का मेन कैमरा है और बाकी के 2 कैमरे 2-2 MP के हैं। सिर्फ नंबर पूरे किए गए हैं कि 3 कैमरे इसमें मिलते हैं। कैमरा एक ही काम का मिलेगा, वो भी 13 MP का है, जबकि इस प्राइस में 48 MP तक के कैमरे मिल जाते हैं। और 8 MP का इसमें सेल्फी कैमरा है। तो मेरा इधर ये मतलब नहीं है कि ओप्पो को क्रिटिसाइज करूँ कि इनके फोन अच्छे होते ही नहीं है। तो जिस प्राइस में जो फोन है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसमें आपको अच्छे खासे तगड़ी किस्म के फोन मिल जाते हैं। 5000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, साथ में नॉर्मल चार्जर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें साइड वाले बटन में है, जेरोस्कोप हार्डवेयरली मिलता ही नहीं है। तो ओवरऑल अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूं, चाहे इसमें 3 GB रैम वाला वेरिएंट हो या 4 GB रैम वाला, बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। और ये फोन ऑफलाइन मार्केट में आया, ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको पता है ऑनलाइन की दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इससे अच्छे फोन मिलते हैं, तो तब वो इसे क्यों बाय करेंगे। तो ऑफलाइन में अलग ही यूजर होते हैं जो कि टेक वीडियोस वगैरह नहीं देखते, सीधा मार्केट से फोन बाय करने चले जाते हैं। तो उन जैसों के लिए कंपनीज इस तरह के फोन लॉन्च करती हैं। तो सभी लोग ऐसा नहीं करते, काफी ज्यादा लोग हैं जो कि वीडियोस रिव्यूज वगैरह देखकर बाय करते हैं फोन। तो अगर आपको 24-25 हज़ार में अच्छा फोन लेना है तो अभी के टाइम मैं कहूंगा वेट कर लें, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 11 वाला फोन मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और 50 MP का बैक पे कैमरा है, सेल्फी कैमरा भी अच्छा खासा है, जो कि सुपर एमोलेड वाले डिस्प्ले के साथ सबसे कम प्राइस में आएगा। 24-25 हज़ार में एमोलेड डिस्प्ले कोई ब्रांड भी नहीं दे रहा। तो जैसे ही वो फोन पाकिस्तान में आएगा, आपको उसकी अनबॉक्सिंग डिटेल वीडियो जरूर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।